नमस्कार, मैं हूँ शेफ सुनील सिंह और आपके बीच लेके आया हूँ स्पेगेटी विंग सॉस। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्पेगेटी विंग सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े पॉट में पानी डाला, उसमें डालेंगे थोड़ा सॉल्ट एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। जब तक ये रोलिंग बॉयल हो जाता है, दूसरी साइड गाइस, एक पास्ता लिया हमने, रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, इसका नाम है स्पेगेटी पास्ता। तो इस तरह से इसके स्टिक्स रहते हैं जैसे कि नूडल टाइप में। सो सीधा रोलिंग बॉयल में इसको डाल देंगे। रोलिंग बॉयल वाटर चाहिए गाइस, इस तरह से इसको टंग के साथ से इसको रोल करते रहें जब तक कि ये हाफ यानी कि अलदंते ना हो जाए। इस तरह से नाइस एंड फ्रिम हो गया है ये, इसको डायरेक्ट स्ट्रेन कर देते हैं। हल्का ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे पास्ता को ठंडा पानी से ना धो, उसमें जो स्टार्च रहता है गाइस वो निकल जाता है। पास्ता में सब कुछ स्टार्च ही है। दूसरी तरफ एक पैन लिया, उसमें डाला चॉप गार्लिक एंड ऑफ कोर्स चॉप अनियन। हल्का स्वेटेड करेंगे इसको, उसके बाद डाल देंगे हमें मिक्स भेजी। सो मिक्स भेजी में यहाँ पे जस्ट मिक्स बेल पेपर एंड चुगनी यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहिए तो इसमें ब्रोकली कॉर्न ऑफ कोर्स आपकी पसंद के हिसाब से भेजीज डाल सकते हैं। हल्का मैंने डाला यहाँ पे स्टॉक वाटर और साथ ही साथ डाल दिया टमाटो, इटालियन टमाटो सॉस और ऑफ कोर्स वाइट सॉस। दोनों के मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखे, आप चाहे वो वीडियो देख के ये सॉसेस बनाना सीख सकते हैं। सो हल्का सा करेंगे मिक्स, उसके बाद थोड़ा सीजनिंग कर लेंगे गाइस। सो स्वाद अनुसार डाल देते हैं इसमें नमक, साथ ही साथ डाल देंगे इसमें ऑफ कोर्स शुगर, पिंच ऑफ शुगर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर एंड ऑफ कोर्स चिल्ली फ्लेक्स, और साथ ही में थोड़ा थोड़ा फ्रेश हर्ब्स भी डाल देंगे जैसे कि फ्रेश ऑरिगानो एंड ऑफ कोर्स फ्रेश पार्सले एंड फ्रेश बेजिल। सो ये सारे हर्ब्स डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद गाइस में ऐड कर लेंगे स्पेगेटी पास्ता, सो जो हमने बॉयल करके पहले से रखा हुआ था। सो हल्का सा टॉस करेंगे गाइस ताकि स्पेगेटी पास्ता जो है उस सॉस के साथ अच्छा सा कोट हो जाए, कुछ इस तरह से इसी। सो गाइस थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर लेते हैं इसमें एंड ऑफ कोर्स चीज़। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पार्मेजान और रिजानो चीज़ यानी कि पार्मेजान चीज़ और साथ ही साथ थोड़ा बटर भी। सो पास्ता बना रहे हैं गाइस, चीज़ तो बनता ही है। सो अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल ना हो, नो प्रॉब्लम, आप नॉर्मल चीज़ जो अमूल का आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से इसको फाइनली टॉस कर दिया गाइस। सो पिंक सॉस पास्ता बन के तैयार हो चुका हमारा। सो एक पोर्शन बॉल लेंगे, उसमें डाल देंगे इस तरह से, यू सी गाइस। दोस्तों स्पेगेटी पिंक सॉस पास्ता बनके तैयार है। ऊपर से गार्निश करेंगे ग्रेटेड पार्मेजान चीज, साथ ही साथ एक बेजिल के पत्ता और साइड में गार्लिक ब्रेड। सो गाइस कैसा लगा आपको पास्ता? अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेफ सुनील सिंह।